बाय बाय गुजरात। मेरी बाइक का मैं चलाता हूँ। ऑल सेट टू गो, टैंक बैग हेलमेट सब रेडी है। छोटी सी एक राइड होने वाली है। अभी टाइम तो मैं दिखा नहीं सकता, दूसरा वाला फ़ोन जेब में है और हाथ बुक्ड है। एक हाथ में ये फ़ोन है जिससे पकड़ के मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। फटाफट से मिलते हैं बाइक पे, फिर उधर ही टाइम दिखाऊंगा, टेम्परेचर वगैरह सब बताऊंगा। ज़्यादा लंबी राइड नहीं होने वाली है। ये राइड होगी लगभग 200-300 किलोमीटर की। टू एंड फ्रो की 400-450 किलोमीटर के समथिंग पड़ेगी। तो फटाफट से बाइक पे मिलते हैं और फिर गायब होते हैं इधर से। फिर सारे राइडिंग गियर्स पहने हैं, लेकिन सिर्फ राइडिंग पैंट नहीं पहनी। रीज़न क्योंकि जो मेरे पास राइडिंग पैंट है वो विंटर वाली है, वाटरप्रूफ विंड प्रूफ, तो वो इस मौसम में तो नहीं पहन पाता मैं। अलार्म बज रहा है, 6:45 हुए और मैं कनेक्ट भी कर लेता हूँ मेरा फ़ोन ब्लूटूथ से। मोड भी स्पोर्ट सेट कर देते हैं और ट्रिप डिटेल्स में ट्रिप सी को रीसेट कर दिया जाए। टोटल किलोमीटर्स पता चलते रहेंगे। रियर व्यू मिरर फुली सेट है। चलो भाई, लेके प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम। और अपनी एक छोटी सी राइड होते हैं यहाँ से फटाफट गायब और चलते हैं राजस्थान की ओर। केवल और केवल राजस्थान की ओर नहीं, राजस्थान के अंदर बॉर्डर क्रॉस करके। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। एक्चुअली पता नहीं मुझे इसमें एवरेज माइलेज 22 kmpl क्यों आ गया एकदम से। इतनी रफ तो मैंने चलाई भी नहीं है, स्टिल इट इज शोइंग 22 kmpl। तो देखते हैं ये कब तक ठीक हो जाता है। आई मीन 30 से नीचे आता है तो 28 तक इट इज़ ओके, लेकिन 28 से कम नहीं होना चाहिए। देखते हैं जो भी है। और अभी आप लोगों को बाइक में एक चीज़ और दिखाई नहीं होगी, मैंने बहुत शानदार वाला काम हुआ है बाइक में। वैसे देखने को बहुत ऑर्डिनरी है लेकिन बहुत मज़ेदार भी है। दोनों चीज़ों से लुक एनहेंस हो रहे हैं। एक तो जो टायर वगैरह वो खोला है तो उससे पीछे से लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है बाइक का। और दूसरा जो है वो आगे के पोर्शन में कुछ किया है, वो कहीं रुकेंगे चाय पानी पीने के लिए तब मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये उसका स्विच है, मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि लाइट ही है। यस ऑफ कोर्स इट इज़ लाइट, इट इज़ मिनी ड्राइव एसजेसी की। चलो भाई, ये सर्विस रोड पे और अभी चढ़ जाएंगे मेन हाईवे पर। सूर्यदेव का प्रकोप अभी इतना तेज नहीं है क्योंकि टाइम हो रहा है 6:50। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलेगा सूर्यदेव का प्रकोप 100% बढ़ता ही जाएगा और ज़बरदस्त वाला बढ़ने वाला है। तो ये करके मैं थोड़ा जल्दी निकला हूँ और कोशिश करूँगा 9-9:15 बजे तक मैं मेरी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँ। और टैंक बैग लेने का मकसद ये था, ये अपनी कंपनी बाय बाय। नॉट परमानेंटली बाय, लेकिन अभी सामने से निकल रहा था तो सोचा बाय बाय कर दिया जाए। और टैंक बैग का जहाँ तक है, टैंक बैग इसलिए लिया मैंने क्योंकि बैग पे जो बैकपैक रहता है उससे बहुत प्रॉब्लम्स रहती है राइड्स पे। हालांकि इतना कुछ खास वजन नहीं है ये बैग में, लेकिन फिर भी मुझे एक बार ही खाली टैंक बैग के साथ ही राइड करनी थी, वो भी थोड़ी बहुत 200-300-400 किलोमीटर हो उतनी। ऐसे 10-12 किलोमीटर तो मैंने बहुत बार करी है ओनली टैंक बैग को लेकर के। इसी स्पीड पे चलेंगे, ज़्यादा फास्ट भी नहीं ज़्यादा स्लो भी नहीं। ट्रैफिक जाम, एक्चुअली ट्रैफिक जाम नहीं है ये, आगे रेलवे फाटक है वो बंद है। पता नहीं वो साइड में तो फ्लाईओवर बना रखा है इन लोगों ने, इधर क्यों नहीं बनाया, क्या प्रॉब्लम हो गई थी इधर इन लोगों को। लेकिन अपनी बाइक है तो उसका थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि अपन कुछ तो अवॉइड कर सकते हैं ये ट्रैफिक को, कुछ हद तक नहीं एक्चुअली पूरा ही अवॉइड कर दिया। वाला दूसरी वाली रेलवे क्रॉसिंग आ गई। यहाँ पर भी ऐसा ही है, कंस्ट्रक्शन आधा छोड़ा हुआ है। गाइस सामने की साइड में क्या कमाल का व्यू आ रहा है। मुझे नहीं पता एक्चुअल में कैमरा अगर डिटेक्ट कर पा रहा है तो पूरा पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ है सामने में। ऐसा लग नहीं रहा कि राजस्थान जा रहा हूँ मैं। देखिए गजब का व्यू। और ये जो रोड और खाली रोड, ट्रैफिक है लेकिन इतना भी नहीं, पूरी खाली दिख रही है रोड। लाजवाब, एक ही नंबर का व्यू होगा, एक ही नंबर का। ऐसे होता है यार। ठंडी ठंडी हवा लग रही है मस्त। तो सुबह सुबह का मतलब राइड का मज़ा यही है। दोपहर होने से पहले पहुंच जाऊंगा, दोपहर में करेंगे रेस्ट और शाम को होपफुली रिटर्न आ जाऊंगा। नहीं आता हूं तो फिर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग। देखते हैं जो भी होगा जैसा भी होगा, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ दोस्त लोग हैं। जहाँ काम से रहा हूँ काम हो जाएगा मेरा, मैं बहुत जल्दी फ्री हो जाऊँगा। लेकिन उसके बाद में भी वहाँ पे दोस्त लोग भी हैं, दोपहर में रेस्ट भी करेंगे। तो देखते हैं जो भी होगा जैसा भी होगा, आप लोगों को ज़रूर बता दिया जाएगा। वैसे पता चलने ही वाला है आप लोगों को भी। और वो सामने राजस्थान बॉर्डर, आई एम कमिंग राजस्थान। दो गुंबद दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर टाइम आ चुका है गुजरात को बाय बाय बोलने का। ये चेक पोस्ट गुजरात में, गुजरात बॉर्डर की। बाय 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 गुजरात। स्वागत है वीर गति, वीर भूमि मेवाड़ राजस्थान में आपका। वीर भूमि था, मुझे वीर गति जैसा लगा। एंड लुक एट दिस कर्व गाइस, फर्स्ट टाइम मैं जब आया था तो यहाँ पे गाय बैठी थी इसी कर्व में, और मैंने पूरी लेन कर रखी थी। वो तो रोड खाली थी इस चक्कर में, बाकी तो। एंड दिस कर्व एज वेल, ज़्यादा लीन नहीं हो पा रहा मैं टैंक बैग की वजह से, लेकिन हाँ मज़े पूरे आ रहे हैं। ऐसी राइड्स डेली हो जाए ना, मज़े आ जाए, डेली मज़े आ जाए मेरे को। लो जी लो पहुंच गए उदयपुर। उदयपुर की वादियों में टाइम अभी मैं आप लोगों को बताऊं तो टाइम हो रहा है 8:49, 8:49। और लगभग जो मैंने कवर किए हैं वो भी मैं बता देता हूं। 171 किलोमीटर्स मैंने कवर कर लिए हैं। ऑलमोस्ट 10-15 किलोमीटर्स नहीं, अभी मेरा जो डेस्टिनेशन है वो थोड़ी लंबी है, करीब करीब 30-40 किलोमीटर। लंबी नहीं मतलब 30-40 किलोमीटर जैसी बची है मेरी। फर्स्ट टी ब्रेक, चीयर्स। अच्छा है, फोन ही रह गए भाई। 2000 years later। So guys, अभी टाइम हो रहा है 12:45, मतलब कि पौने एक। ये वाले ग्लव्स पहन लिए हैं धूप को मद्देनजर रखते हुए। और अपन जिस काम के लिए आए थे वो काम हो चुका है। अब किस काम के लिए आया था ये आपको आने वाले वीडियोस में पता चलेगा। फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ उदयपुर से नाथद्वारा वाली रोड पे। एक परम मित्र हैं, उनसे मिलने के लिए। सब लोगों से देखो मैं नहीं मिल सकता हूं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो जो लोग भी गाइज ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग भी देख रहे हो जो जानते हैं मेरे को, तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं, मैं नहीं मिल पाऊंगा। सब लोगों से मिलना देखो बहुत मुश्किल रहता है। एक ही दिन था मेरे पास, आज ही मेरे को वापस रिटर्न निकलना है। अगर आज नहीं निकलता हूँ मैं तो कोशिश करूँगा सबसे मिलूँ, और अगर आज निकला तो भाई साहब नॉट पॉसिबल। अभी धूप है तो रेस्ट करूंगा थोड़ी देर। जो टैंक बैग था वो मैंने पीछे एज ए बैकपैक कैरी किया है अभी, क्योंकि सिर्फ 22 किलोमीटर मेरे को अभी बाइक चलानी है और उसके बाद में मैं रेस्ट करूंगा थोड़ी देर के लिए। एग्जॉस्ट होता तो ये टनल में मजे आ जाते। यहाँ पे मेरे को लैक ऑफ एग्जॉस्ट फील हो रही है। मतलब एग्जॉस्ट तो है ही, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट नहीं है, वो होता तो मजा आ जाते। क्या लाजवाब चीज है, ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे जो जिसको बोलते हैं ना, प्रॉपर मस्त हवा लग रही थी। जिनके बारे में आपको बताया था। हेलो गैदू। हेलो। और अभी आप लोगों को टाइम बताऊं तो टाइम हो रहा है 1:26। हाँ, भाई के पास फोन आ गया, बिजनेसमैन बड़ा। और ये अपना रूम है। ये वॉशरूम। हेलो। तो ठीक है यार, अभी वीडियो यहीं तक रखते हैं। बाकी अभी मैं यहाँ से वापस हिम्मतनगर जाऊंगा तो वो आप लोगों को नए वीडियो में पता चलेगा, वरना ये काफी लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राइड सेफ। बाइक पे पीछे बैठने में कैसा लगता है उनसे पूछो, जिस आदमी को राइडर के मैं इतना ज्यादा बैठता नहीं हूँ। मेरी बाइक है, मैं चलाता हूँ, मैं पीछे नहीं बैठता हूँ। रोड के नीचे से और ले रहा है, सब ठीक है।